सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज बन रहे हैं नमकीन स्टफ्ड डोनट्स। इनमें मैंने सब्जियां और नूडल्स की स्टफिंग की है। फ्यूचर में स्टफ्ड डोनट्स की मजीद वैरायटीज भी लाऊंगी मैं। ये बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, पर इट्स वर्थ इट। तो शुरू करेंगे डो से। एक बोल में लिया एक कप नीम गरम पानी, नीम गरम होना जरूरी है। फिर जाएगी इसमें एक टेबलस्पून चीनी, ये भी जरूरी है। फिर एक पैकेट यीस्ट जो कि तकरीबन 2.5 टीस्पून होगी, वो भी चली जाएगी। और एक टेबलस्पून तेल भी चला जाएगा। इन सबको ब्रीफ सा मिक्स किया और कोई 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि ये एक्टिव हो सके और हमारी सारी रेसिपी का बेड़ा गर्क ना हो। मेरी ना एक दफ़ा यीस्ट एक्टिव ना होने की वजह से पूरी की डिश ख़राब हो गई थी, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है। 5 मिनट बाद इसमें जाएगा 2 कप मैदा। इसको चम्मच से ही मिक्सी कर लेना है। ज़्यादा यहाँ पे अपने मसल्स और डोले इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े आराम से इसको उतना ही मिक्स करना है जब तक कि मैदा गायब ना हो जाए, जो कि 2-3 मिनट की मिक्सिंग के बाद गायब हो ही जाएगा। ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है ये। फिर इसको किया कवर बड़ा टाइटली और इसको किसी गुमनाम अंधेरे कैबिनेट में रख देना है 1 घंटे के लिए, जहाँ ये वार्म रहे और घबराहट में भूल जाए। वैसे अगर इसको बंद माइक्रोवेव में रखा जाए तो बेस्ट है। और फिर मीनवाइल हम प्रिपेयर कर लेंगे इसकी फिलिंग। चाहे तो थोड़ा ब्रेक ले लो आप, ठंडा पानी पी लो, किसी बच्चे को थप्पड़ थप्पड़ मार लो, 10 बार पुशअप्स लगा लो, या ऐसा करो सनस बकेट की ना वीडियोस देख लो, वो बेस्ट है। फिर प्रिपेयर करेंगे फिलिंग। एक पैन में ले लेना है ऑयल 1 टेबलस्पून। फिर 2 मीडियम लहसुन के जवे लेके उनका कीमा बना लेना है, लेकिन उनके कोफ्ते नहीं बनाने। कितना अजीब लगेगा ना लहसुन के कोफ्ते। बस उस ऑयल में ना इस लहसुन को डाल देना है और 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा तड़पाना है, थोड़ा सौते कर लेना है। और फिर लेने हैं 2 मीडियम साइज की गाजरें और उन्हें छील के उनकी साइड्स काट के उनका भी कीमा कर लेना है। हाँ, यहाँ पर ऑरेंज गाजरें मिलती हैं जो कि ज्यादा मजे की नहीं होती, पर हम उन्हें मजे का बना लेते हैं। पहले तो जिनको स्ट्रिप्स में काट लेना है और फिर छोटू छोटू से क्यूब्स चॉप कर लेने हैं। ये बहुत सारे छोटू छोटू क्यूब्स हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद इसको करना है साइड पे। और एक बड़ा प्याज लिया, उसके साथ भी सेम सलूक किया, पहले लंबाई में काटा, फिर चौड़ाई में काटा और फिर अंधाधुन काटा। मेरे कटिंग बोर्ड की ना हर धर्मी चल रही है आजकल, खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ, नाफरमान बर्तन हो गए हैं मेरे। फिर ये गाजर और प्याज डाल देना है लहसुन में, थोड़ा सा मिक्सी किया। आज ना बहुत दिनों बाद चिंटू शरीफ की एंट्री हुई है, होपफुली अच्छा काम करेगा। फिर स्पाइसेस इसमें अपनी मर्जी के ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे नमक लिया है हस्बे जायका, खाली मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और कटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर देनी है। फिर इन सबको मिक्स किया, कुछ खास नहीं है, बस चम्मच पकड़ा मिक्स किया। और 1/4 कप इसमें चले जाएंगे स्वीट कॉर्न्स और 1/4 कप ही इसमें चले जाएंगे मटर। कितना प्यारा, कितना कलरफुल सा लग रहा है, हर कलर नज़र आ रहा है इसमें। इन सबको ना बस इतना कुक करना है कि प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए और गाजरें गल जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं गला देना कि ऐसा ना हो कि हलवा ही बन जाए। फिर जाएंगे इसमें नूडल्स। मैंने ये बारीक नूडल्स लिए हैं जो कि स्पगेटी टाइप ही हैं, लेकिन बहुत बारीक हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल स्पगेटी से भी काम चल जाएगा। ये मैंने 85 ग्राम्स लेके बॉयल कर ली और फिर मैंने उन्हें अपनी सब्जियों में ऐड कर लिया, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर नूडल्स लंबे हैं तो उनको चिंटू से हल्का सा तोड़ लेना है मिक्स करने के दौरान। इससे तो ये होगा कि वो सब्जियों से बहुत अच्छे से मिलजुल भी जाएंगे और टूट भी जाएंगे। फिर इसमें डाल दिया मैंने 3 टेबलस्पून सोया सॉस। ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, ये मजे का ही होता है। लेकिन सोया सॉस की भी बहुत टाइप्स होती हैं, कोई बहुत नमकीन होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो ये आपने देखना है कि आपको कितना ठीक लगेगा। फिर अगेन क्विक सा मिक्स किया, मेक श्योर कि सारा कुछ अच्छे से सोया सॉस में कोट हो जाए। फिर जी निकालेंगे कोने खुदड़े से अपनी डो, उसको अनकवर करेंगे और चम्मच से एक मिक्स देंगे। ये एक्टिव थी इसलिए ये राइज हुआ है और बहुत जिगली उसा हो गया है, बिल्कुल किसी मोटे आदमी के पेट की तरह। फिर इसमें मैंने 1 कप मैदा मज़ीद ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इतना मैदा ऐड करना है कि इससे एक बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाए, इसलिए 1 या 1 से ज़्यादा कप मैदा लग सकता है। डो बना ली है तो उसके तकरीबन 5 से 6 इक्वल पीसेस कर लेने हैं। एक पीस लिया, उसको वर्किंग एरिया पर यूँ फैला दिया, हाथों से ही चाहो तो बेलन भी यूज़ कर लो, पर ज़रूरत नहीं है। फिर 1 से 2 टेबलस्पून फिलिंग उठाई, उसके बीच में रखी और किनारे उठा के आपस में बंद कर दिए।
इस तरह से कि फिलिंग अंदर आ जाएगी और एक बॉल की शेप बन जाएगी। मेक श्योर कि कहीं गैप्स ना हो, हर तरफ से डोनट सील्ड हो। फिर हल्का सा प्रेस किया और गर्म ऑयल में डालकर इसको मीडियम लो पर फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करना है। जब नीचे से गोल्डन कलर आ जाए, फिर इसको फ्लिप करने के बाद फोर्क या स्पैचुला से प्रेस कर देंगे ताकि थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, और दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे जब तक दूसरी साइड पर भी गोल्डन कलर ना आ जाए। बस फिर जब अच्छे से कलर आ जाए तो उसको निकाल देना है। अगेन, स्पाइसेस अपने हिसाब से ऐड करेंगे आप तो ही आपको मज़े का लगेगा। इसके अलावा तो ये बहुत मज़े का है, चाय के साथ तो बहुत परफेक्ट है। इसकी मज़ीद वेरिएशंस मैं दिखाऊंगी, लेकिन इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर दिखानी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पर लगा सकूं। और हाँ, जब भी वीडियो अपलोड हुई होगी तो होपफुली तब तक इस चैनल के 50K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अगली वीडियो होगी Q&A पर। आप अपने सवाल यहाँ नीचे कॉमेंट्स में लिखे, मैं उनके जवाब होपफुली अगली वीडियो में दूंगी। तो मुझे इंतजार है आपके बहुत इंटरेस्टिंग सवालों का। और इसके अलावा आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखें, सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताएं। और मैं मिलती हूँ आपसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।